Hello and welcome to the Attitude Academy. I am Turab Haider. Today we are discussing about the service tax adjustment. जैसा कि हमने पिछली क्लास में सीखा था कि सर्विस टैक्स को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे सेल करनी है, कैसे परचेज करना है, उसके बाद आज हम सीखेंगे कि सर्विस टैक्स को टैली के अंदर कैसे एडजस्ट करना है, कैसे उसको मेंटेन करना है और कैसे उसको पे करना है. चलिए स्टार्ट करते हैं सर्विस टैक्स एडजस्टमेंट इन टैली. तो सबसे पहले आप टैली ओपन कर लीजिए. टैली ओपन करने के बाद आप वो फर्म खोल लीजिए जिसमें आपका सर्विस टैक्स पहले से इम्प्लीमेंट है. जैसे मैंने ये फर्म ओपन की है, इसमें अगर मैं डिस्प्ले और डे बुक आपको शो करूं, तो यहाँ पे मेरी सेल परचेज की दोनों एंट्री पास हैं. ठीक है, तो अब मुझे सर्विस टैक्स एडजस्ट करना है. तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अकाउंटिंग इन्फो पे जाऊँगा. अकाउंटिंग इन्फो पे जाने के बाद वाउचर टाइप में अल्टर करेंगे. अल्टर पे जाने के बाद जर्नल में हम एक क्लास मेंटेन करेंगे सर्विस टैक्स एडजस्टमेंट के नाम से. नेम ऑफ क्लास में आ जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे सर्विस टैक्स एडजस्टमेंट. ठीक है, यहाँ पे यूज क्लास फॉर सर्विस टैक्स एडजस्टमेंट को हम यस रखेंगे. इसको यस करने के बाद हम सेव करेंगे. उसके बाद आप क्या करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर पे आ जाएंगे. अकाउंटिंग वाउचर पे आने के बाद आप F7 प्रेस करेंगे. F7 प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे लेना है सर्विस टैक्स एडजस्टमेंट. सर्विस टैक्स एडजस्टमेंट आप एंटर करेंगे, उसके बाद यूज फॉर आपसे पूछेगा. यूज फॉर पूछने के बाद यूज फॉर में आपको डालना है इनपुट क्रेडिट एडजस्टमेंट. यहाँ पे आप आउटपुट को डेबिट करेंगे अगेंस्ट रेफरेंस से, इनपुट को आप क्रेडिट करेंगे. आउटपुट डेबिट कर दिया आपने, इनपुट क्रेडिट करेंगे और जो बचा हुआ है उसको ओल्ड सी करके एक लेजर क्रिएट कर लेंगे सर्विस टैक्स पेबल के नाम से. अंडर में इसको हम प्रोविजंस बना लेते हैं क्योंकि अभी हमने पे नहीं किया. ठीक है, हम सेव करेंगे. 1500 रुपये का जो है वो हमारा डिफरेंस निकल के आ गया है. 3750 रुपये जो थे वो हमारा आउटपुट था, 2250 रुपये हमारा इनपुट था, 1500 रुपये यानी 1500 रुपये आपका सर्विस टैक्स पेबल निकल के यहाँ पे आ गया है. अब पे करने के लिए आप F5 पे जाएंगे पेमेंट करने के लिए. F12 प्रेस करेंगे. सिंगल एंट्री मोड को मैं यस लेता हूँ. सिंगल एंट्री मोड यस करने से मैं फीचर्स थोड़े से यूज कर पाऊंगा ऑल्ट एस वाले. यहाँ पे ऑल्ट एस प्रेस करना है. टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में आप सर्विस टैक्स लेंगे. ऑटोफिल स्टेशनरी को यस रखेंगे. यहाँ पे सर्विस क्लास लें अपनी, जो भी आपने सर्विस क्लास बनाई होगी. ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, कैश या बैंक, बैंक से ज्यादातर केस में जाता है. अंडर में बैंक अकाउंट डालेंगे. ठीक है, बैंक अकाउंट हमने ले लिया है, ऐसे भी ले सकते हैं आप. ऑल्ट एस प्रेस करके सर्विस टैक्स टाइप ले लेंगे. ऑटोफिल को नो रखेंगे हम. यहाँ पे हम डालेंगे अपना सर्विस टैक्स अमाउंट 1 सेकेंड. यहाँ पे आपको बैंक डालना है. यहाँ पे सर्विस टैक्स अमाउंट पेबल ले लिया हमने, जो पेबल था हमारा. पेबल जो है ये आपका, आप पेबल में बनाएंगे. वो थोड़ा सा गलती से हमसे गलत डल गया था, इसको हम पेबल में लेंगे. ठीक है, इसको हम यस रखेंगे. देन यहाँ पे पेबल आ गया आपका, 1500 रुपये आप यहाँ पे मेंशन करेंगे. देन इसको हम सेव कराएंगे. ठीक है जी, सेव करा दिया. पेज अप करेंगे ओल्ड पे प्रिंट आउट के लिए. ठीक है जी, इसका प्रिंट आउट अगर आपको लेना हो. ठीक है, पेमेंट एडवाइस के साथ लेना तो पेमेंट एडवाइस भी यस करते हैं, अदरवाइज ऐसे ही ले सकते हैं. ठीक है, और ज़्यादा डिटेल देखने के लिए आप चले जाएंगे डिस्प्ले में. डिस्प्ले में जाएंगे आप स्टेचरी रिपोर्ट. स्टेचरी रिपोर्ट में सर्विस टैक्स 63 रिटर्न आप ले सकते हैं. रिपोर्ट्स के तौर पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये आपका ST3 रिटर्न आ जाएगा. ये ST3 रिटर्न फॉर्म से हमारा, जो आपका क्वार्टरली आप मेंटेन कर सकते हैं, और हाफ ईयरली आपको पता है सर्विस टैक्स आपका जाता है. तो ये था हमारा सर्विस टैक्स एडजस्टमेंट. हमने सीखा कि कैसे आउटपुट को इनपुट के साथ एडजस्ट करना है, कैसे उसको पे करना है. अगर रिफंडेबल आपका बन रहा है तो उसे आप नेक्स्ट मंथ में एडजस्ट कर सकते हैं, और ये सारी ट्रांजेक्शन्स आप कर सकते हैं. तो बने रहिए एटीट्यूड अकेडमी के साथ और जुड़े रहिए हमसे. हैव ए गुड.